शासन प्रशासन को तक पहुंचाने का काम करती हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिस दिन मातृशक्ति इस तहसील परिसर में आ गई, उस दिन हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। ये निश्चित दृढ़ संकल्प। जब तक मैं जीऊंगी अपने जीवन को उतार करके बरकरार रखूंगी, आप लोगों को भी वही बताऊंगी। हो सकता है कुछ लोगों को उन्हें ना पता हो जो आपके साथ नहीं है, जो सरकार के लोगों के साथ है। मुझे अच्छे से पता है कि जो सत्य है उस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। एक ना एक दिन आनी है। धन्यवाद करो उसका कि वो आपके पास आएगी लेने के लिए। सत्य है, एक दिन बढ़िया सा माहौल बना करके अधिकारी जो है उनसे मिले राजकुमार भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे मोदी पार्टी जी। पूरा समाज, पूरा ग्रेटर नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने धरना किया था, मैंने देखा था वहां अथॉरिटी पे। तो आप इनको जोड़ करके जबरदस्ती पकड़ के रखो, क्योंकि ये बिजी बहुत ज्यादा है। जब भी आपको घेराव करना हो। पूनम पंडित जी, आज आप दादरी तहसील में जो किसानों का धरना चल रहा है यहाँ पहुंची है, क्या किसानों की मुख्य मांग है जिनको लेकर किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं? नौकरी ना मिल रही इन्हें। 1985-86 से 182 लोगों की नौकरी मिली है, इतने साल मुद्दत बीत गए चलते चलते धरने को, तो नौकरी ना मिल रही। जब वादे इस बात पे हुए थे उस जमाने में से, और अब तक लड़ाई हो रही है। ठीक, मैं तो उन लोगों को भी कहूंगी जिनकी उस जमाने में सरकार ही, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उनकी गलती नहीं है, इनको भी कहूंगी, लेकिन फिलहाल इनकी भी है ना। अभी इनकी सरकार है तो इनसे ही तो कहेंगे। सोनिया गांधी जी का तो दफ्तर ना जाएंगे, बाद में जाएंगे, लेकिन अब इनकी सरकार है ना, तो इनसे कही जाएगी। और दूसरी बात मुआवजे की, वो है इनको समान मुआवजा नहीं मिला। अरे ऐसे काम ज्यादा हो रहे हैं। अभी देखो बोड़ाकी में धरना चल रहा, किसानों को नहीं मिल रहा समान मुआवजा। पाली गाँव पड़े वहां नहीं मिल रहा, पूरे देश में चल रहा। नौकरी चाहिए ना, ये जो लड़के यहाँ धरने में आंदोलन में आवे, इनके ये चाचा ताऊ आवे यहाँ, किस लिए आ रहे? बालक क्यों पढ़ा हुआ है? नौकरी की मारी, जमीन की मारी बचाने के, तो नौकरी क्यों नहीं दे रही सरकार? इनकी जमीन लेकर के बैठगी, तुम सारे के सारे वहीं बैठ जियो इनके घर ही जाके, और क्या। हमारे अधिकारी जनता के सेवक है वे, वो कोई किसी की यूनियन के या किसी पार्टी के सेवक नहीं है, वो हमारे हैं, जनता के नौकर है। वो जनता के टैक्स से उनके घर के चूल्हे चलते हैं, हमारे खेत में खेती करके चले, इस बात को भी भूले ना। कब तक चलने वाला है ये धरना प्रदर्शन? ये तो चल रहा है, इतने दिन से चल रहा है, और चला लेंगे। अभी क्या करना है? एनटीपीसी से वार्ता हुई। वार्ता में हमने जो हमारी मांगे हैं वो समान मुआवजा और रोजगार की हैं। ये बिल्कुल सच है कि 182 लिए और 2300 कुछ प्रभावित है, 2191 नहीं लिए। ये जो हुआ है अनियमितता बरती गई है, इसी को लेकर हमारा ये धरना चल रहा है। और जो हमारी जो वार्ता हुई है वो विफल रही है, क्योंकि एनटीपीसी अपनी बातों से गुमराह हमको कर रही है। और ये सच्चाई है कि बिल्कुल हमारा जो हक है वो बिल्कुल जायज है। तो क्या करेंगे? आंदोलन। गर्व से कहो कि हम आंदोलन जीवी है अपने अधिकार के लिए।